वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। आप लोगों को बड़ा सुनहरा अवसर मिलता है। देखो जो बकबक ज्यादा करे उसे वक्ता कहते हैं, और जब हम चुप हो जाएं तो उस समय आप मौके का फायदा उठा लेकर उस समय दोनों हाथ उठा के बोल दिया करो, बस मेरो वृंदावन। बोलो एक बार, मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। ये भाव बना के रखना, ना जाने प्रिया जी कब कृपा कर दें, ना जाने लाल जी कब कृपा कर दें। आज कह रहे हैं और कल बन जाए। श्री व्यास जी महाराज ने कहा ना, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। प्रार्थना कर रहे हैं, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। इस वृंदावन की रज में जीव का जन्म हो जाए तो वो जन्मजात ब्रजवासी कहलाता है प्यारे। लेकिन जो बाहर से आके रह रहे हैं उनके लिए फिर क्या, अगर वो ठाकुर जी से प्रार्थना करें या प्रिया लाल को अपने हृदय में बसा लें और प्रिया लाल की याद, वृंदावन की याद हृदय में बस जाएं, तो वो भी ब्रजवासी ही हो जाते हैं प्यारे। कोई तन से ब्रजवासी है, कोई मन से ब्रजवासी है, कोई मन से ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधा सी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधा सी। हम तो श्यामाजू के बल अभिमानी, हम तो श्यामाजू के बल अभिमानी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधा सी। और जब प्रिया लाल मिल जाए तो उनके परिकर में सम्मिलित हूँ, ऐसी इतना भजन करना वृंदावन में आने के बाद कि प्रिया प्रीतम हमें अपने सहचरी दल में सम्मिलित कर ले, कृपा पूर्वक उस सहचरी दल में, उस सखी स्वरूप में, उस सखी भाव में प्रवेश करा दे, तब जाके इस वृंदावन के उस नूतन रस को, उस अनुपम रस को हम प्राप्त कर पाएंगे प्यारे, तब प्राप्त कर पाएंगे। बगर जब तक यही प्रार्थना करना क्या। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधा सी। कबहु मिलेंगी वो सखी सहचरी, कौन सी, कबहु मिलेंगी वो सखी सहचरी, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। जाकी वैभव करत लाल सा, करवीणित कमलासी, इतनी आस व्यास की पुजवो वृंदा विपिन विलासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे हे ब्रजवासी। बस यहाँ यही आस लेके आना। वृंदावन में ज्यादा कहने सुनने को कुछ है नहीं प्यारे, आपको मैं बताऊं, क्योंकि वृंदावन में श्री यमुना जी के किनारे ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत जी में आपने सुनाई होगा, श्री भक्ति महारानी यमुना जी के किनारे जिनकी गोद में जो वृद्ध पड़े हैं, नारद जी आए रमण करते हो, नारद जी देख के बड़े आश्चर्यचकित कि देखो तो सही, एक तरुणी की गोद में दो वृद्ध। नारद जी ने पूछा कि हे देवी, हे कल्याणी, आप कौन हो। तो उस तरुणी ने कहा कि हे नारद जी, मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं। और ये कौन है दो जो वृद्ध पड़े हैं।
कहा ये ज्ञान और वैराग्य है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इस वृंदावन भूमि में ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हुए हैं। यहाँ तो केवल प्रेम की महिमा है, यहाँ तो केवल भक्ति की महिमा है, यहाँ तो केवल भाव की महिमा है। बस जो जैसे भाव से आ जाए, हर किसी को प्रिया प्रीतम स्वीकार करते हैं, ना किसी के गुणों पर दृष्टि डालते हैं, ना किसी के अवगुणों पर दृष्टि डालते हैं। जो भी अपने हृदय में भाव भर के आ जाए, सबको प्रिया प्रीतम स्वीकार कर लेते हैं। और केवल स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं, और ऐसा बनाते हैं कि संसार को भी प्रमाणित होने लग, संसार को भी प्रमाण मिलने लगता है कि भाई ये जो जीव हैं ये साधारण नहीं है, ये कोई वृंदावन वाले हैं, ये कोई श्यामा श्याम वाले हैं, ये कोई श्री अवध वाले हैं। ऐसा प्रमाण, ऐसा जीवन बदल जाता है। जो एक बार भूले से भी किशोरी जी से कह दे कि हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, जो एक बार श्री युगल से अनजाने में भी अगर कह दें कि हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, तो ऐसा नहीं कि वो केवल अनजाने में कहा हुआ वाक्य मिथ्या हो जाएगा, नहीं, उसी समय युगल तथास्तु कर देते हैं। आज तूने कहा है, कल तेरे हृदय में भाव जगेगा और फिर तुझे वृंदावन में प्रवेश मिल जाएगा। जय। किसी भक्त ने बहुत सुंदर गाया, वो भाव हमें बड़ा अच्छा लगता है, बिहारी घर मेरा ब्रज में बसा दोगे तो क्या होगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा, इतने जीव रहते हैं इस वृंदावन में, अरे कीत पतंग ही बना दो, हाँ मोर बंदर इतने रहते हैं, मोर बंदर ही बना दो। और फिर वही कल वाली बात कहूं, अगर मेरे अपराधों की सूची लंबी हो तो मुझे वृंदावन की नाली का कीड़ा ही बना दो प्यारे, लेकिन वृंदावन से बाहर मत बचाओ। हाँ, बिहारी घर मेरा ब्रज में बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रज में बसा दोगे तो क्या होगा। आओ आज केवल प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी जो चाहें वो बुलवाएं, उनकी इच्छा है, उन्हीं की लीला है, लेकिन आज प्रार्थना कर लो। ये प्रार्थना बड़ी कीमती है, हर कोई यही चाहता है कैसी प्रिया प्रीतम के चरणों के निकट हम पहुंच जाएं। इसलिए अनिवार्य है, एक बार दोनों भुजा उठाओ, बोल दो मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो गे तो क्या होगा। कैसी कैसी प्रार्थना, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा, और ठाकुर जी कृपा करके उन्हें बना भी देते हैं, बनवा भी देते हैं। देखो कितने फ्लैट बने हुए हैं, हाँ कितने फ्लैट सबको मिल जाते हैं, जिन पे थोड़ा भी पैसा है आजकल वृंदावन में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, लेकिन क्या वृंदावन में वास हो पाया। अरे प्यारे, धन के बल पर आप वृंदावन के पे वास नहीं कर सकते हो। लोगों ने फ्लैट ले लेके डाल रखे हैं, लाखों करोड़ों के फ्लैट लोगों के हैं, ताले बंद पड़े हैं, और जो खुले हुए हैं, जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने मेहनत करके धन कमाया और धन कमाने के बाद वृंदावन में फ्लैट खरीदा, वो नहीं रह रहे हैं, रह तो कोई और ही रहा है उनमें। जिन सेवकों के पास 10 रुपए भी नहीं होते ना अपने पे खर्चने के लिए, उन मालिकों के नौकर वृंदावन वास कर रहे हैं, कृपा नहीं तो और क्या है प्यारे। जिन्हें प्रियाजी चाहेंगी वही वृंदावन बस सकता है, ना पैसे के बल पे बस सकते हो, ना बल के बस पे बस सकते हो, यहाँ तो कृपा के बल पे बसा जाता है। शायद उन सेवकों की हम कई बार सोचते हैं, देखो तो सही इतने बड़े बड़े फ्लैटों में केवल नौकर रह रहे हैं, लेकिन एक दिन प्रिया जी ने ऐसी हमको प्रेरणा दी कि इनको साधारण मत समझना, इन मालिकों ने तो बाद में सोचा था कि हमें वृंदावन में हमारी कुटिया हो, फ्लैट हो, ये तो जन जो इनके सेवक हैं, इनका अनुराग इतना रहा कि हर पल बस यही प्रार्थना करते, प्रिया जी हम पे तो इतना पैसा है नहीं, राधा रानी हम पे इतना पैसा नहीं है कि हम आपके वृंदावन में अपनी कुटिया बना पाए, क्या हमारा ब्रजवास हो पाएगा। तो ऐसी प्रेरणा हमको प्रिया जी ने की, प्रिया जी बोली कि ऐसे भक्तों के लिए जिनके पास धन है उनके मालिकों को मैं प्रेरणा कर देती हूँ, जाओ भैया वृंदावन में अपना पैसा इन्वेस्ट करो और देखभाल के लिए नौकरों को पहुंचा दो वहां पे। तो मालिक वृंदावन वास नहीं कर पाया, लेकिन सेवक वृंदावन वास कर पाया। यहाँ केवल भाव से प्रवेश होता है, इसलिए हृदय में वो भाव जागृत कर लो और कहो सरकार से क्या। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो गे तो क्या होगा, बिहारी
घर मेरा ब्रज में बसा दो, ये तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दो, ये तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बसा दो, ये तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दो, ये तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दो, ये तो क्या होगा, ओ बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो, ये तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दो, ये तो क्या होगा, मुझे वो सांवरी सूरत, मुझे वो सांवरी सूरत दिखा दो, ये तो क्या होगा, मुझे वो सांवरी सूरत दिखा दो, ये तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दो, ये तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बसा दो, ये तो क्या होगा, एक बार फिर बोलो मेरो वृंदावन, कभी तुम हो गए ओझल, कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल, ओहो मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल में रहने वाले प्यारे मुझसे नकाब क्यों, प्यारे मुझसे नकाब क्यों, प्यारे मुझसे नकाब क्यों, तूने औरों से कुछ ना पूछा, औरों से कुछ ना पूछा, मुझसे हिसाब क्यों, प्यारे मुझसे हिसाब क्यों, कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल, कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल, कभी लगता है ऐसा, कभी स्वप्न में झलक हो जाती होगी, होती है नहीं होती है? कई बार लगता है ऐसा, ऐसा अनुभव हो गया हमको, ठाकुर जी के साक्षात्कार का अनुभव सा हुआ, या वृंदावन में घूमते फिरते कुछ ऐसा नजर आ जाए कि आपको लगे कि शायद कि ठाकुर जी ने अपनी कोई अनुभव दिया है, कोई परिचय दिया है, अगर ऐसा अनुभव भी होने लगे तो प्यारे बस तसल्ली कर लेना कि हाँ हम उनके हैं और वो हमारे हैं, उन्हें हमें अपना रखा है, क्यों, क्योंकि पास रहता है दूर रहता है, ये पास रहे या दूर रहे इनकी मर्जी, इनकी मर्जी में हमको दखलंदाजी नहीं करनी है, नहीं तो अपना प्रेम का जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा, अगर इनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाएंगे तो फिर हम प्रेमी नहीं कहला पाएंगे, इसलिए पास रहता है या दूर रहता है मगर इस दिल में कोई जरूर रहता है, और जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, मुझे हल्का हल्का सुरूर रहता है, उतारो
कभी तुम सामने आए कभी तुम हो गए ओझल कभी तुम सामने आए कभी तुम हो गए ओझल प्रभु ये बीच का पर्दा प्रभु ये बीच का पर्दा हटाओ ये तो क्या होगा ये बीच का पर्दा हटाओ ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रिज में बसाओ ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रिज में बसाओ ये तो क्या होगा प्रेम से बोलो शिराधे राधे शिराधे श्री वृंदावन धाम की मेरे को पाल बनवारी मेरे को पाल गिरधारी मेरे को पाल बनवारी मेरे को पाल गिरधारी मेरे को पाल बनवारी मेरे को पाल गिरधारी हे श्याम सुंदर मुझे भी अपनी सखियों में मुझे भी अपनी सखियों में मिला लो ये तो क्या होगा मुझे भी अपनी सखियों में मिला लो ये तो क्या होगा बिहारी कर मेरा ब्रिज में बसाओ ये तो क्या होगा बिहारी कर मेरा ब्रिज में बसाओ ये तो क्या होगा बिहारी कर मेरा ब्रिज में बसाओ ये तो क्या होगा बिहारी कर मेरा ब्रिज में बसाओ ये तो क्या होगा मुझे भी बांसुरी अपनी मुझे भी बांसुरी अपनी सुनाओ ये तो क्या होगा मुझे भी बांसुरी अपनी सुनाओ ये तो क्या होगा बिहारी कर मेरा ब्रिज में बसाओ ये तो क्या होगा बिहारी कल मेरा ब्रिज में बसाओ ये तो क्या होगा वृंदावन में दावा नल भुजाई थी सुना है तुमने वृंदावन में दावा नल भुजाई थी सुना है तुमने वृंदावन में दावा नल भुजाई थी सुना है तुमने वृंदावन में
बुझाई थी। मेरे भी आग हृदय की, मेरे भी आग हृदय की बुझाओ, ये तो क्या होगा। मेरे भी आग हृदय की बुझाओ, ये तो क्या होगा। बिहारी कल मेरा ब्रज में बसाओ, ये तो क्या होगा। बिहारी कल मेरा ब्रज में बसाओ, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बसाओ, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बसाओ, ये तो क्या होगा। मुझे वो बांसुरी अपनी, मुझे वो बांसुरी अपनी सुनाओ, ये तो क्या होगा। मुझे वो अपनी सुनाओ, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बसाओ, ये तो क्या होगा। दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसती हूँ। दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसती हूँ। हम प्रेम नगर की बंजारिन, हम प्रेम नगर की बंजारिन, जप तप और साधन क्या जाने। जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने। हम ब्रज की भोरी कवालिनिया, हम ब्रज की भोली कवालिनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ब्रह्म ज्ञान के उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान के उलझन क्या जाने। हो दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसती हूँ। दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसती हूँ। लेकिन श्याम सुंदर ये कब संभव है। मुझे खुद रास्ता अपना, मुझे खुद रास्ता अपना दिखा दो, ये तो क्या होगा। मुझे खुद रास्ता अपना दिखा दो, ये तो क्या होगा। मुझे खुद रास्ता अपना दिखा दो, ये तो क्या होगा। मुझे खुद रास्ता अपना दिखा दो, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बसाओ, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बसाओ, ये तो क्या होगा। मुझे भी बांसुरी अपनी, मुझे भी बांसुरी अपनी सुनाओ, ये तो क्या होगा। मुझे भी बांसुरी अपनी सुनाओ, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बसाओ, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बसाओ, ये तो क्या होगा। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा दोनों हाथ उठा के, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम।
मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम बोलो श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन